नालासोपारा में बड़े धड़ल्ले से परिवहन विभाग की मिली भगत से अवैध रिक्शे वो मैजिक चल रहे हैं, जिसके चलते वैध चलने वाले रिक्शे चालकों का धंधा नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते आज नालासोपारा तुलिंजी पुलिस स्टेशन के पास ब्रिज के नीचे रिक्शा टेम्पो संघ द्वारा अवैध रिक्शा व अवैध मैजिक के खिलाफ 2 घंटे तक रिक्शा बंद आंदोलन रखा गया, जिसमें कई रिक्शा चालकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं रिक्शा चालकों ने बताया कि परिवहन विभाग की छत्रु छाया में ये अवैध रिक्शा और अवैध मैजिक चल रहे हैं। ये तो अभी शुरुआत है, प्रशासन ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। आपका नाम? सर, आज का जो आंदोलन रखा गया है किस मुद्दे पर रखा गया? आंदोलन इसलिए रखा गया है जो यहाँ पर ग्रामवासी हैं, आंदोलन रखा गया है कौन से पक्ष के मार्फत के आंदोलन रखा गया है? कौन से महाराष्ट्र नगर शहरा जितने हैं यूनियन के लीडर, सब एक हो के हम लोग काम करते हैं, क्योंकि नालासोपारा यहाँ पर क्राइम हो रही है ना, नालासोपारा को सबको मालूम करा मुझे सबको मालूम है, जितना भरपूर छोटे छोटे जितना जेल तक गिने जाते हैं, कुछ मार होती है, कोई मरी मारा होता है, नालासोपारा सबसे ज़्यादा होता है। कुछ साल पहले गांधीनगर में मेरा नाम राम गोवर्धन प्रजापति, CIT उलाल बावटा। सर, आज का जो ये आंदोलन रखा गया है किस मुद्दे पर रखा गया? आंदोलन इस मुद्दे पर रखा गया है कि यहाँ पर जो है कि गौराई नाका पे रिक्शा स्टैंड है, आज 15 साल से वो रिक्शा स्टैंड बना करके बोर्ड लगा के रखा हुआ है, वहाँ सर से लाइन लगा करके मैजिक चलती है और रिक्शे वाले भाग जाते हैं। रिक्शे वालों का आवेदन दिया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर आने वाले फ्यूचर में अगर मैजिक बंद नहीं हुई तो आगे का डिसीजन आप क्या? आगे का डिसीजन है कि आप साहब ने बुलाया है, वहाँ पर भी हमको बात करना है, उनको दिया है सबको। आज आंदोलन इसीलिए रखा गया था, साहब ने बोला था, रिक्वेस्ट किया था कि आंदोलन मत करो। हाँ। मैं बोला ज़्यादा आंदोलन नहीं, अभी शुरुआत है, अगर इसके बाद कुछ नहीं होगा तो इससे बड़ा आंदोलन होगा, 10 दिन 15 दिन जाते जाते फिर बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नल्ला रिक्शा भी चल रहा है? नल्ला रिक्शा चल रहा है, हाँ। यहाँ पर ऐसा है कि जो नल्ला रिक्शा चल रहा है अभी रात में ज़्यादा होता है, दिन में तो कम रहता है लेकिन रात में ज़्यादा होता है, वो नज़र बचा के दिन में नज़र बचा के चल लेते हैं। अब इनका काम है पकड़ना, वो प्रशासन काम है, ट्रैफिक पुलिस का काम है कि वो उनको कैसे पकड़े। दूसरी बात ये रह गई कि रात में नल्ला रिक्शा था उस पर उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, और रात को इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि पूरा जाम हो जाता है इधर, और पूरा एक एक घंटे आधा आधा घंटे तक जाम रहता है। और जो आप लीगली लाइसेंस बैच वाले हैं उनके साथ में कुछ सूत्रों के अनुसार मालूम पड़ा है कि कुछ नल्ले लोग दमदाड़ी करते हैं? हाँ, ऐसा है कि लीगल लोग को नल्ले रिक्शे, अभी भी एक रिक्शा इधर खड़ा था, चर्ची जैसा दिख रहा था, यहाँ पे अपना गायकवाड़ साहब थे, मैं उसको बोला गाड़ी हटा, मेरे को गाड़ी खड़ा करना, इधर आंदोलन करना, बोलता 2 मिनट रुक, वो कह के इधर खड़ा हुआ है, और उधर खड़े हैं साहब लोग, उनके सामने ऐसा दमदाजी करता है तो बात की बात क्या है, वो अकेले क्या कर सकता है, वो तो कहने का मतलब उनको खुली छूट मिली हुई है, ऐसा मालूम पड़ता है उनको खुली। अभी अब संरक्षण तो नहीं कहा, प्रशासन का संरक्षण रहेगा, कहने का मतलब कि अगर वो ऐसी बातें करते हैं, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस है, यहाँ पर बड़ी गाड़ी खड़ी है, बड़े साहब लोग भी है, और यहाँ साइड में गाड़ी खड़ा करके एक आदमी ऐसा चर्ची गर्दुल्ला ऐसा बोल रहा है, तो मालूम पड़ता है कि यहाँ किसका संरक्षण है, अगर उसको संरक्षण नहीं मिलता तो उसे बात ही नहीं करता, तुरंत भाग लेता है यहाँ से। अब देखना होगा कि इस आंदोलन के बाद वाहतूक पुलिस कर्मी इन अवैध रिक्शों व अवैध मैजिकों पर अंकुश लगाने में सफल हो पाएंगे या नहीं। नालासोपारा से प्रेयस सावंत की एक रिपोर्ट।